तकरार किस गल का करना चाहती सरकार बैठे ने सारे असी इंसाफ की गल कर रहे हैं असी कहना उन्होंने कहना है कि कोई होर दिन चुनिया जा सकता इस मार्च के लिए छब्बी जे तुम कहने भी साडा दिन है तो साडा भी तो साडे तो सारे ही दिन है फिर तुम एक बलात्कारियों तो तीजे दिन परोल दे देने उन्होंने जेडे बंद ने एडिया एडिया क्रम किए उन्होंने दूजे दिन कड़ दें बहर तो बंदी सिंघा का कसूर की आ ये ज्योदे जागते पंजाबी है जेडे इस मोर्चे ते आ रहे हैं तो जेडे मर चुके रजाइया जुल्या च बैठे है हुण तुसीं कल दा एक मुद्दा लई फिरदे ने जी कहिंदे जी झाकी नहीं कढ़न दी कढ़ रहे उत्थे ते असीं झाक रखी ही क्यों जदों सियासत पहलां ही इन्नी गंदली हो चुकी है पंजाब नूं पहलां ही ये बुरी अख नाल देख रहे तो फिर इहो जिहा झाकियां झुकियां तो असीं की लैणा मैं पहलां दस्सिया भी अद्धे लोग तां रजाइया च बैठे टीवी दे नज़ारे लैंदे आ भी की हो रहा वो बई कट्ठे होने की लोड़ है जे कौम कट्ठी नहीं होगी एक झंडे थले नहीं आओगे मारे जाओगे पक्का मोर्चा रहा तो पूरी तरह के नाल शामिल रहोगे क्योंकि बहुत सारे कलाकार ईडी दी रेडा भी पै रही है तो NIA पुछगिछ भी कर रही है ईडी रेड उन्हें तो मार दी जिन्हें तो कुछ हैगा मेरे को आपका घर भी है नहीं चंडीगढ़ च कौमी इंसाफ मोर्चा मोहाली दे विच लगा होया और 26 जनवरी की जेकर गल करिए अज मोर्चे दे आगुआ दे वलों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हुई है 26 दी काल खालसा ही रोस मार्च जिहड़ा शांतमय ढंग दे नाल कढ़िया जाएगा पर उस तो पहला पंजाब दे हर भाईचारे वालों इस मोर्चे नूं समर्थन दिता जा रहा है खास करके कलाकार भाईचारे वालों भी लगातार जिहड़े नामवर चेहरे ने इस मोर्चे नूं अपनी शमूलियत भी कर रहे हैं तो अपना समर्थन भी दे रहे हैं दर्शन औलख जी साडे नाल मौजूद ने उगे अदाकार ने उन्होंने नाल गलबात कर लें क्योंकि किसानी अंदोलन के भी लगातार वो विचरते भी रहे थे समर्थन भी देंदे रहे ने सो सत श्री अकाल सर पहला तो यह दसो बंदी सिंघां दी रिहाई का मोर्चा लगा और बड़े थोड़े जे दिन होए हले 20 दिन भी पूरे नहीं होए पर तुसीं देखिया एक मिनी सिंघू बॉर्डर वर्गा माहौल जिहड़ा इत्थे क्रिएट होया हैगा इहदे ते की कहना चाहो पहला तो मैं थोड़ा मीडिया का स्पोक्समैन का तो थोड़ा धन्यवाद करदा थोड़ी टीम का धन्यवाद करदा भी तुसीं साडे नाल किसानी मोर्चे ते भी खड़े हर मोर्चे ते खड़दे हो तो जिथों तक गल तुसीं कीती है बंदी सिंघां दी जिवें इत्थे हर जिहड़ा भी बंदा इत्थे आया उहदा इक्को ही सवाल है कि एक बंदा इस कानून के मुताबिक सज़ा पूरी कर चुके है तो फिर रिहाई क्यों नहीं हो रही एक क्वेश्चन आ लोगों भी सरकारों नूं भी भी जदों थोड़े एक असी कानून बनाया हुआ सरकार ने सिस्टम बनाया हुआ तुसीं एक बलात्कारियों नूं तां तीजे दिन परोल दे दिंदे हो उहनां नूं जिहड़े बंदिया ने एडिया एडिया क्रम किए उन्होंने दूजे दिन कढ़ दें बाहर तो बंदी सिंघा का कसूर की आ बहुत वड्डा मसला है इस करके जिहड़ा कौमी मोर्चा है लगना जरूरी भी सी ते जिवें तुसीं गल कीती है सिंघू बार्डर तो भी वड्डा ही बन चुकिया ते जिस तरह लोगों का कट्ठ है लोगों जागृति है ये ज्योदे जागदे पंजाबी है जिहड़े इस मोर्चे ते आ रहे हैं तो जिहड़े मर चुके रजाइया जुल्या च बैठे है वह तो पहला भी किसानी वेले भी बैठे सी ते मरिया का तो कहिंदे हुंदे कोई वजूद नहीं हुंदा ये जीउंदे जागदे लोगों नूं मेरा सलाम आ कौमी मोर्चे नूं सलाम आ इत्थे हर आए उस बंदे दे पैरां च मेरा नमन है क्योंकि ये सदा ही जंगा लड़दे आए आ पंजाब आ ते पंजाब ने हक्कां दी गल कीती आ पर सानूं हक सदा मंगणे पैंदे अफसोस है सो जी असी गल करिए जिवें मोर्चे दे विच चार मुख मंगा ने पर दो इस तरह दियां ने जेकर असी 328 सरूपां या फिर बेअदबी दे उत्ते कानून बरगाड़ी दा इंसाफ दी जदों गल कर रहे ते पंजाब दी सियासी धिर वी जिहड़ी हैगीआं उह वी विच आ के इहदे च इनवॉल्वमेंट हो जांदी क्योंकि लगातार पंजाब दे विच वी जिहड़ा न्याय पंजाब दे प्रशासन दे हत्थ सी उह वी नहीं होया हैगा ते की लगदा हैगा पंजाब वाला प्रशासन हले तक तां मोहाली दे विच कोई भी कोशिश जिहड़ी है इस मोर्चे नूं हटाउण दी नहीं होई पर की लगदा आउण वाले समें च पंजाब दा सियासी दबाव वी इहदे ते वध जिथों तक मैं आपदी जिंदगी का अनुमान लाना हाँ भी हुण तक सियासत ने पंजाब का तो भला किया ही नहीं गा किहड़ी पार्टी की गल करते कांग्रेस लै लो अकाली लै लो सारे लोगों ने मौके दिते पर किसी ने इंसाफ तो किया नहीं पंजाब के किन्ने मुद्दे रहे हुण तक सानू SYL के नाते लड़ाते रहे हुण तक SYL का कोई मुद्दा ही नहीं गा जब साडे कोल पानी है नहीं पंजाब कोल असीं कित्थों दे दांगे साडे इत्थे मुद्दियां नूं बनाया जांदा सदा ही मुद्दे उभारे जाते हैं हुण तुसीं कल दा एक मुद्दा लई फिरदे ने जी कहिंदे जी झाकी नहीं कढ़न दी कढ़ रहे उत्थे ते असीं झाक रखीए क्यों जदों सियासत पहलां ही इन्नी गंदली हो चुकी है पंजाब नूं पहलां ही ये बुरी अख नाल देख रहे ते फिर इहो जिहा झाकियां झुकियां तो असीं की लैणा जदों पंजाब नूं कदे इंसाफ मिलिया ही नहीं हैगा मैनूं हुण तक दा टोटली तुसीं 47 तों लैके हुण तक दा इतिहास कढ लो
चाहे 84 होवे चाहे 47 रहा होवे, साडे नाल जिहड़ियां गल्लां सरकारां ने कीतियां सानू किसे जगह ते भी एक जगह भी इंसाफ मिलिया। तो मैं लानत पाउणा साडी कौम नूं भी जिहड़े इकट्ठे नहीं हुंदे। मैं पहला दस्सिया भी अद्धे लोग तां रजाइयां 'च बैठे टीवी दे नज़ारे लैंदे आ भी की हो रहा है। वह बई कट्ठे होने की लोड़ है, जे कौम कट्ठी नहीं होगी एक झंडे थले नहीं आओगे मारे जाओगे, थोड़े बच्चे रोल जाएंगे। आने वाला साडा इतिहास, साडे गुरुआ ने किड्डा वड्डा इतिहास लिखा, साडा पूरी दुनिया च कोई दसे भी साडे तो वड्डा इतिहास है किसी का, फिर साडी कौम मेरा ख्याल इको एक कौम है जिहड़ी मानस की जात सभे एको पहचान उहदा संदेश दिंदी है। असी किसे च मतभेद नहीं करते, असी हर औखी जगह पर खड़ते हर बंदे नाल। ते फिर साडे नाल बेइंसाफी क्यों, साडे बंदी सिंघां दी रिहाई क्यों नहीं हो रही? मैं सरकार नूं पुछदा भी साडा कसूर की है, तुसी हर जगह पर सानू क्यों टारगेट करदे हो? ਜਿਵੇਂ 26 ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿਹਾੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤਕਰਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ? 26 ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਣ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮੰਗ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ED ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ NIA ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ED ਰੇਡ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਤਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ED ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਦੀ ਕਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।